अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर की अहमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप कर पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भाइयों को मेरे तरफ से 12 रबी अव्वल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं दुआ करता हूँ आप लोगों की सभी जायज़ तमन्नाओं को अल्लाह पूरी करे। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं खबर की और जान लेते हैं सबसे पहली खबर कतर से क्या आ रही है। तो सबसे पहले दोस्तों खबर दोस्तों आ रही है, वो आ रही है एक कतरी सिटीजन जो है वो कतर का जो रेडियो होता है दोस्तों, उनसे उनके द्वारा वहां पे अनाउंसमेंट ये करवाया गया है कि खलीफा एरिया में बैचलर की संख्या जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और इससे काफी ज्यादा लोगों को, जो फैमिली मेंबर वहां पे रहते हैं उन लोगों को इससे काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। इसके वजह से इस पे बल्दिया के टीमों को इसके लिए एक ठोस कदम उठाने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों, जितने भी लोग बैचलर वहां पे रह रहे हैं खलीफा एरिया में, तो हो सकता है दोस्तों बहुत ही जल्दी आप लोगों को वहां पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये कंप्लेन रेडियो के द्वारा किया गया है और कंप्लेन काफी ज्यादा ये वायरल भी हो रहा है। तो दोस्तों, ये बात सही भी है, खलीफा एरिया में बहुत ही ज्यादा वहां पे बैचलर लोग रह रहे हैं, इसी की वजह से वहां पे हो सकता है फैमिली मेंबर को कोई दिक्कत वहां पे हो रही होगी। अगली खबर साथियों जो आ रही है वो MOI की तरफ से आ रही है। MOI की तरफ से बताया गया कि जितने भी लोगों को कतर में, खासकर पे एक्सपर्ट लोगों के, जितने भी वहां पे बैंक अकाउंट है, तो उन लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि जितने भी लोग वहां पे लोग रहते हैं, चाहे वो सिटीजन ही क्यों ना हो या एक्सपर्ट हो, तो उन लोगों को सावधान रहना है, कोई भी लिंक पे दोस्तों आपको क्लिक नहीं करना है, और आपको वहां पे बैंक अकाउंट सिक्योर रखने के लिए एक पासवर्ड का रखना बहुत ही जरूरी है। जब भी पैसे को ट्रांसफर करो तो उसमें एक OTP का सिस्टम, यानी दोस्तों जो आपके नंबर पे OTP जो गिरता है वो OTP का सिस्टम जरूर रखें, और कोई भी अननोन लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि साथियों वहां पे जो बैंक फ्रॉड का जो केस है काफी ज्यादा वहां पे देखने को मिल रहा है, बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे को खाली कर दिया जा रहा है। तो उनके तरफ से कहा गया है कोई भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है, OTP पासवर्ड एक जरूर रखना है पैसा ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शन करने के लिए, और सिक्योर रखने के लिए दोस्तों किसी को कोई भी चीज़ का शेयर उसको आपको नहीं करना है। तो ये सब बातों को आपको ध्यान देना है। अगली खबर साथियों जो आ रही है वो आ रही है आमिरी कप को लेकर। तो साथियों, आपको पता है कि आमिरी कप एक दो दिन में होने वाला है, तो आमिरी कप के लिए दोस्तों वहां पे कुछ गाइडलाइंस जारी किया गया। आमिरी कप जो होगा दोस्तों फुटबॉल का फाइनल मैच है, जो कि अल्दुमा स्टेडियम में होने वाला है। जो स्टेडियम उस दिन ओपन भी किया जाएगा, उसमें लगभग 40,000 लोगों की बैठने की क्षमता है, और इसमें बिना, जो लोग फुली वैक्सीनेटेड होंगे बिना PCR टेस्ट के आपको जाने की अनुमति होगी वहां पे। तो उसमें कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं कि ये सब सामानों को लेकर आपको वहां पे नहीं घुसना है उस स्टेडियम में, जैसे कि माचिस वगैरह हो गया, कोई लाइटर हो गया, या फिर कोई ऐसी चीज जो दोस्तों जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता हो, कोई टूल्स वगैरह, ये सब चीज़ लेकर नहीं घुसना है, कोई बोतल वगैरह लेकर नहीं घुसना है, या ऐसी कोई भी सामान जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, ये सब चीज़ों को लेकर नहीं घुसना। और यदि स्टेडियम में आप घुस रहे हो जिसका मैंने नाम नहीं बताया, यदि गार्ड को लगता है कि ये भी नहीं ले जाना चाहिए, तो भी वो भी सामान आपको गार्ड के द्वारा रख लिया जाएगा। तो ये सब दोस्तों चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा आपको, ये सब चीज़ लेकर आपको नहीं घुसना है। अगली खबर साथियों जो आ रही है वो हमद मेडिकल कॉरपोरेशन से आ रही है। तो हमद मेडिकल कॉरपोरेशन को दोस्तों बहुत ही बड़ा अवार्ड से वहां पे नवाजा गया है। बताना चाहूंगा साथियों, हमद मेडिकल कॉरपोरेशन जब कोरोना काल जब चल रहा था, उसमें मेंटल हेल्थ केयर में काफी उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई, जिसके वजह से इंटरनेशनल अवार्ड से इसे नवाजा गया है हमद मेडिकल कॉरपोरेशन को। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ी अच्छी उपाधि है HMC के लिए। अगली खबर साथियों जो आ रही है, बताना चाहूंगा साथियों, कतर में लगभग 6,000 किलो दोस्तों जो फ्रोजन मीट होती है और फिशेज होते हैं, उसे वहां पे पकड़ा गया है बल्दिया के टीम के द्वारा। तो फिलहाल सभी को सीज कर लिया गया है, और ये काफी दिन पुराने थे, उसके बावजूद भी वो लोग मार्केट में सेल किया जा रहा था। फिलहाल सभी को सीज करके डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो ये कुछ अपडेट थी, कुछ खबरें थी जो कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें, ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक।